जय माता की। मैं जय सिंह और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार माननीय बीएस चौहान जी। जय माता की। हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर तहसील के अंतर्गत एक पंडोखर धाम है जो हमारे परम आराध्य बाबा बजरंगबली जी का धाम था, लेकिन एक पाखंडी जिसे गुरु शरण शर्मा कहते हैं उसके द्वारा वहां पर कब्जा करके धर्म के नाम पर एक ढोंग और जो गोरख धंधा फैलाया गया है उसी मुद्दे को लेकर के हम एक बार फिर से उपस्थित हैं। मैंने आपको बताया था, आपने संकल्प शक्ति न्यूज में देखा भी था कि कैसे मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में, दमोह, जबलपुर, रीवा और कई जिलों में लगातार सनातन धर्म को मानने वाले आम समाज और गुरु शरण शर्मा के द्वारा लूटे गए लोगों में बहुत भयानक आक्रोश है। वो लोग विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, प्रशासन को, डीएम को, सबको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारे धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा गरीब लोगों को, आम लोगों को लूटने का जो एक गोरख धंधा फैला है उसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। और हम आपको फिर से आज ले चलते हैं कुछ अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार से इस जनाक्रोश ने और विराट रूप ले लिया है। तो हमारे साथ हमारे माननीय पत्रकार जी हैं। सर, बताइए कि और इसके अलावा 3 और 4 दिसंबर के बाद फिर और इसके अलावा कहाँ पर ये जनाक्रोश और फैला और स्थितियां बिगड़ी? 3-4 को जो आप लोगों ने तो देख ही लिया है। 6 दिसंबर पुनः दिंडोरी में एक रैली निकली जिसमें नारेबाजी हो रही थी जी और जो जिला मजिस्ट्रेट है उन्हें वो ज्ञापन सौंपे जी जिससे इस इनके कार्यों में रोक लगाई जाए। शासन प्रशासन को इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, गृह मंत्री महोदय तक बात पहुँचे जी और ये वापस रैली वापस आते टाइम इनका पुतला दहन भी किया। जी नारेबाजी तो हुई और विरोध प्रदर्शन किया गया और जो दूसरे भी व्यक्ति थे उस जगह के उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए कि ये वहाँ गलत हो रहा है, हम लोग भी लूटे हैं। बहुत लोगों ने ऐसी सारी बातें बताई। जूता मारो चोरों को, धर्म के लुटेरों को, जूता मारो चोरों को, इंडो घर बाबा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसके अलावा 6 दिसंबर को ही दमोह कलेक्ट्रेट में जी जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, रैली के माध्यम से गए और वापसी में यहाँ भी पुतला दहन किया गया, नारेबाजी की ही गई और उसमें संगठन प्लस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं या उनसे ठगे हुए लोग भी शामिल थे। जी, ये दमोह कलेक्ट्रेट में महिलाओं के द्वारा भी विशेष प्रदर्शन किया जा रहा था, हाँ, महिलाएं बहुत आक्रोश में हैं। सर, क्या मामला है? वो अब ऐसा है कि जब लूटते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन्हीं को होती है जी क्योंकि जो थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखते हैं और अंत समय में जब भी कोई परेशानी आती है तो उन्हीं की जेब से फिर निकलते हैं। तो जब उनकी जेब से भी गए, पति की जेब से भी गए, जा रहे हैं तो आक्रोश तो बढ़ेगा बढ़ेगा, जी काम हो नहीं रहे, परेशानी बढ़ ही रही है। जिस कार से गए और वहाँ जाके भी ठगने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, जी केवल परेशानी आ रही है। 6-6 महीने लोग लगातार अमावस्या को जा रहे हैं और इसके बाद कुछ नहीं, ढाक के 3 पात जो थोड़े बहुत जेब में थे गरीबों के वो भी उन्होंने ले लिए। तो इसकी वजह से जन आक्रोश तो होगा ही, महिलाओं में आक्रोश तो होगा ही। जी यही है कि नारियां भी, बच्चे भी रोड पे आ गए हैं। आपने कहा कि हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाया, उसने देवी देवता का अपमान किया है। जी हाँ, उसने कहा है कि हिंदू धर्म की जो देवी देवता हैं मेरे बूट का पालस करती हैं, मेरे दरबार पर मेरे जूतों के नीचे दबी रहती हैं। पंडोखर बाबा मुर्दाबाद, गुरु शरण शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद गुरु शरण शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद गुरु शरण शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जी। और 6 दिसंबर में सपना में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है, रैली निकली है, नारेबाजी हुई है, पुतला का दहन हुआ है। पंडोखर बाबा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
कर बाबा। और 6 दिसंबर में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी जी एक सामूहिक रैली के रूप में घूमे हैं, उसमें नारेबाजी हुई है और लास्ट में पुतला दहन भी हुआ है जी। मतलब ये मामला अब मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ अन्य राज्य में पहुंचने लगा और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धर्म के नाम पर लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के नाम पर लोगों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये तो 4 जगह तो आपके 6 दिसंबर में हुआ है और 7 दिसंबर में भी हुआ है। अच्छा, हाँ, यानी कल की बात है। हाँ हाँ जी, कल भी सागर में सिविल लाइन में मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है, पूरा एक रैली के रूप में गए हैं जिसमें समाज के लोग थे, संगठन के लोग थे और विशाल मतलब 2-4 नहीं जी पर्याप्त मात्रा में। और सबसे अच्छी बात ये कि लोग अपना स्टेटमेंट देने के लिए बड़े उत्सुक थे कि हमसे भी पूछा जाए कि हम भी ठगे गए हैं, ये लोगों ने बताया। और जो एक चीज़ और कि जो लोग थे इतने खुश थे कि इनके विरोध में ये सारा हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा ठगाई उन्होंने की है कि लोग स्टेटमेंट देने के लिए बड़े उन्हें लग रहा था कि हम तो इतने दबे कुचले हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जब उसके दरबार में कोई महिला जाती है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, उनका भी अपमान करने से नहीं चुकता है दोस्त। और हमारे गुरुदेव जी ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई, उस धूर्त ने पाखंडी ने हमारे गुरुदेव जी के लिए असली शब्दों का प्रयोग किया, गालियां दी, इसलिए हमारी भावना को आहत किया। हम लोग चाहते हैं दुष्ट का कमीने का के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हम लोग जगह जगह उसका पुतला दहन कर रहे हैं। अब ये एक जब जनाक्रोश फैला तो उन्हें एक थोड़ा सा सहारा मिला और वो अपनी बात कहने के लिए मतलब सामने आ गए। और यहाँ भी नारेबाजी हुई है, नारियों में तो आक्रोश था ही जी। और इसके बाद पुतला दहन हुआ है, ये सारे कार्यक्रम ये संपन्न हुए। क्या ये अभियान अन्य राज्यों में भी होने के आसार है? क्या ये आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप मध्य प्रदेश का देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ हो गया है और छत्तीसगढ़ में और अनेक जगह होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ये सारी स्थितियाँ होंगी, आपके हरियाणा भी ऐसे अछूता नहीं रहेगा, वहाँ भी होंगी, इधर आपके गुजरात भी होगा, उधर झारखंड भी होगा। ये जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं ये मान लीजिए हर जगह होगा। और जो हिंदी भाषी नहीं हैं तो लुटे तो कुछ वहाँ के भी हैं, तो जैसे यहाँ की स्थिति देखेंगे तो होगा वहाँ भी जी। ये गुरुशरण शर्मा अपने लाइव में कह रहे थे कि कुछ मंत्री मिनिस्टर हमारे केंद्र में हैं, राज्य सरकार में हैं, तो ये बताइए कि अगर इस तरह ये बोल रहे हैं तो क्या ये पुतला दहन करने से या ज्ञापन देने से कुछ परिणाम निकलने के आसार हैं? देखिए, शासन प्रशासन जो भी है तो जनता से ही है जी, निश्चित है। एक वोट बैंक लग सकता है कि पंडोकर बाबा का एक वोट बैंक हो, पर कभी भी अधर्मियों का अन्यायों का वोट बैंक नहीं होता है जी, केवल भौकाल रख देते हैं और इसके अलावा नहीं। पर इस समय जो जनता ठगी जा रही, वोट तो उन्हीं का है ना। हाँ बिल्कुल, अगर पंडोकर बाबा का ये वोट कह दे तो उसका क्या वोट है? जनता। और जब जनता को ही लूटे पड़ा है जी तो वोट बैंक तो अपने आप गोल है। अब उस स्थिति में जो नेता या जो भी है, अगर आपने ऐसा कहा, ऐसा कुछ है, अगर उसका कहना है कि नेता आते हैं तो नेता तो कहीं भी जाते हैं, उसमें कौन सी बात हो गई, वो जनप्रतिनिधि हैं। पर इसके बाद भी अगर ऐसा वोट बैंक का ऐसा कुछ है तो ये पक्का मान ले कि अगर जनता ही विद्रोह में आ जाएगी, जनता ही आक्रोश में आ जाएगी, तो वो तो वैसे भी वोट बैंक किसका किसका आया है जी। और आज नहीं कल शासन प्रशासन को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जी, क्योंकि जहां गलत हो रहा है कितने दिन आप उसको उससे दूर रह पाएंगे, अपने आप को कितने दिन बचा रह पाएंगे जी। तो इसलिए ये तो निश्चित है कि शासन प्रशासन को सुनना पड़ेगा और वहां पर जांचें होंगी जी। बिल्कुल, ये आप लोगों के द्वारा यानी वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा ये जो गुरु शरण अर्थात पंडोखर बाबा के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, इसका असर समाज में दिखने लगा है, आप लोग भी देख रहे हैं और आप लोगों में बहुत लोग इसका हिस्सा भी बन रहे हैं।
और इसका जो असर समाज में लगातार दिख रहा है उसका परिणाम स्वयं गुरुशरण शर्मा अर्थात बाबा के भी चेहरे पे दिखने लगा है। बाबा बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं और उनके मुंह से अनाप शनाप शब्द भी निकल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो अपनी बंदूक भी निकालने की बात कर रहे हैं, फायर करने की भी बात कर रहे हैं जी, और कई लोगों को बता दिए कि आए तो मार दो। अच्छा, मतलब अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं जी जी। तो इतना बौखलाने की क्या जरूरत है, उससे तो सिद्ध हो रहा है क्योंकि उनकी दुकान अब घटती चली जा रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब लोग उनके पास आना धीरे धीरे घट रहे हैं क्योंकि जितने हमारे पास फोन आ रहे हैं इस समय तो मुझे लगता है शायद 1000-1200 फोन हो चुका होगा। अच्छा, कि उन्होंने हमें धन्यवाद दिया है कि चौहान साहब आपने जो ये मुहिम छेड़ी है और तो हमें उनकी सत्यता पता चली, अब हम वहां नहीं जाएंगे, वहां से बच गए। सर एक चीज पूछना चाहते हैं, हाँ, कि जैसे पहले लोग फोन करते हैं आपसे कि हम लूट चुके हैं, फिर आप उनके प्रमाणों के साथ में वीडियो डालते हैं, तो जो लोग नहीं गए, हाँ, जो लोग अभी नहीं गए और आपके फोन कॉल को सुन के जाने से बच गए, हाँ, क्या दर्शकों को उनकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी भविष्य में? हाँ, हमारे पास एक दो चीजें आई हैं जी। एक तो ये कि जो लोग ऐसे भी हैं जो गुस्से में अपनी अपनी पर्चियां फाड़ दिए हैं। अच्छा, अब हम उनसे कहते हैं आप प्रमाण दीजिए, उनके पास प्रमाण नहीं है जी, पर वो खुद तो प्रमाण है। हाँ बिल्कुल, व्यक्ति किसी के लिए कब क्यों कुछ कहेगा, हाँ, जब उससे प्रताड़ित होगा जी, अन्य तो नहीं कहेगा। तो इससे तो ये तो पक्का है कि वो ठगे गए हैं। हाँ, वो स्पष्ट कह रहे कि हम गए हैं पर हमें गुस्से में एक दो चीजें हुई हैं। कुछ के साथ तो ये हुआ है कि वो उनसे कमरे में मिले हैं और उनकी जो लिख के देते हैं कि क्योंकि उनका ज्यादा डिटेल्स रहती है, हाँ, तो उन्हें आपके जो उनका उन्होंने भौकाल बना रखा लाइव दरबार, हाँ, दरबार जी, तो उसमें कहे गए वो पर्ची रख ली है और वहाँ पर वो सब बता के पर्ची ही नहीं दिए। कुछ के साथ क्या हुआ है कि शुरुआत में उन्हें पर्ची तो दिए पर जब उनका काम नहीं होगा तो पर्ची फाड़ फूट दिए हैं। हाँ, बिल्कुल, लोग और कुछ का गुम हो गया पर व्यक्ति तो हैं। हाँ बिल्कुल, और वो अगर नहीं गए होंगे तो वहां के लिए कहेंगे नहीं। ऐसे भी व्यक्ति हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा स्टेटमेंट डाला जाए जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे कि दो चार नहीं है, लाखों नहीं करोड़ों में व्यक्ति ठगे गए हैं जी। बिल्कुल, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, निकल के आ रही है। इसके अलावा इस वीडियो को देख देख के बहुत से ऐसा एक वर्ग है जो खुश है कि हम तो बच गए, हाँ, और उनकी इच्छा है कि हम भी हमारी भी बातें समाज तक पहुंचाई जाए। हाँ जी बिल्कुल, अब उसमें भी हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो हम पहले ज्यादा महत्व नहीं देते थे कि क्योंकि अब तो उन्होंने धन्यवाद हमें दिया है, पर अब लग रहा है उनको भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए जी। बिल्कुल, इससे क्या होगा जो समाज में और भी लोग हैं जो आपके वीडियोज देख रहे हैं, जो जागरूक हो रहे हैं, उनके अंदर भी ये होगा कि जी बिल्कुल ऐसे बहुत लोग हैं जो जाने से बच भी रहे हैं और समाज में जागरूकता आ रही है, परिवर्तन। अब उनकी रिकॉर्डिंग को हम अब सुरक्षित करेंगे और बिल्कुल हम उससे भी देंगे, हाँ, कि जिससे आप लोगों को पता चल सके कि उसमें भी मतलब सैकड़ों लोग हैं जो इस बात के धन्यवाद दिए जो आपका कार्य सराहनीय है और उन्होंने भगवान माँ भगवती से भी प्रार्थना की है कि आपको कह दिया जाए संबल दें, आत्मबल दें कि आप इस कार्य को अंत तक पहुंचाएं जी। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए 6 दिसंबर को कैसे डिंडौरी जिले में जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है वहां पे संगठन के लोगों ने, आम समाज ने और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने किस तरह एक साथ विशाल जनयात्रा निकाली और जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, नारेबाजी की, पुतला दहन किया। आप हमारी स्क्रीन पर देखिए। धर्म के लुटेरों को जूता मारो चोरों को, धर्म के लुटेरों को जूता मारो चोरों को, और अब देखिए दमोह कलेक्ट्रेट में, जैसा कि सर ने बताया दमोह कलेक्ट्रेट में भी विशाल नारेबाजी हुई और दमोह के सब लोगों ने, जो जो सनातन धर्म को मानने वाले अधिकांश लोग जो उनसे लुटे हैं, आम समाज, संगठन, सभी लोगों ने एक साथ जनयात्रा निकाली और प्रशासन को संदेश दिया, ज्ञापन दिया। आप इसके भी वीडियोस देखिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी, महिलाएं, सभी देखिए, ये आपके सामने है सब जी, आक्रोश कितना है जी। बिल्कुल, हम प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी से, जो कि धर्मवान व्यक्ति हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि दतिया जिले के पंडोखर धाम में धर्म के
नाम पर लाखों लाखों लोगों को लाखों लाखों रुपए लेकर बरसों से जो अधर्म कार्य कर रहा है गुरु शरण शर्मा पाखंडी है, तो हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जहां हम खुशहाल मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल, लेकिन उस खुशहाल मध्य प्रदेश में धर्म और आडंबर का जो कचरा फैला रहा है, तो खुशहाल प्रदेश तभी तो होगा जब हमारे प्रदेश से कचरा साफ हो जाएगा। पूरे देश के लाखों लाखों आस्थावान भक्तों को जिस तरह से उसने लूटा है, गरीब व्यक्तियों को बिगड़ी बनाने के नाम पर, भूत भगाने के नाम पर, वह शासन अपने संज्ञान में ले। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान अवश्य दें। सतना में भी बहुत से लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, आप देखिए इसमें आप, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, सतना में सैकड़ों लोगों ने विरोध में जन रैली निकाली, नारेबाजी की और गुरु शरण शर्मा का पुतला दहन सतना में भी किया गया, आप देखिए। ये आपके सामने है तस्वीरें, आप देख रहे हैं कितने गुस्से में है लोग, गुस्सा अपने आप बाहर निकल रहा है, इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास जितने हैं वो लूट रहा है जी, तो गुस्सा तो आक्रोश के रूप में निकलेगा जी, वो आपके सामने है। आज आप लोगों ने ये पुतला दहन किया है, कैसा पुतला दहन, किस विषय में किया है? भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा सतना द्वारा आज पाखंडी गुरु शरण शर्मा का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर गुरु शरण शर्मा लूट मचा कर रखा है, भोली वाली जनता को धर्म के नाम पर लूट रहा है, और जब सत्यपुत्री महाराज जी ने उसके पाखंड का भंडाफोड़ किया तब ये गाली गलौज और तमाम तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग करने लगा, जिसके विरोध में आज भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पाखंड का विरोध करने के लिए पाखंडी गुरु शरण शर्मा का पुतला दहन किया है, और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गुरु शरण शर्मा ने सनातन धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को लूटना बंद नहीं किया तो अब आगामी जो कार्यक्रम होगा वह पंडोखर धाम में होगा, तो गुरु शरण शर्मा समाज को लूटना बंद करे, भोली भाली जनता को सनातन धर्म पर लूटना बंद करे और अपनी जवानी को शुद्ध कर ले। सर हमारे पास बिलासपुर की भी कुछ फुटेज हैं, हाँ। और दर्शकों को हम दिखाते हैं बिलासपुर में भी जो बिलहा तहसील है उसके अंतर्गत बहुत लोगों ने जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए हैं, जो लोग जानते हैं पंडोखर का काले कारनामे और जो आगे जानते जाएंगे वो भी विरोध में आएंगे। देखिए किस तरह से बिलहा में भी लोगों ने पुतला दहन किया और विशाल नारेबाजी की। बताइए कितना लोगों में आक्रोश है और कितने दुखी मन से ये सब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म प्रति सभी की आस्था है और इन उसी आस्था का ये लोग दोहन कर रहे हैं जी। चोर है, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, चोर है, चोर है, चोर है, पाखंडी है, पाखंडी है, पाखंडी है। और ये 7 दिसंबर को यानी कल की बात है, सागर में तो आप भीड़ देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं फुटेज में किस तरह से हजारों लोगों ने, ये भीड़ तो रिकॉर्ड तोड़े देखने वाली भीड़ है, किस तरह हजारों लोगों ने सागर में वहां पर सिविल लाइन में लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया, विरोध में विशाल जनयात्रा निकाली और नारेबाजी की गुरु शरण शर्मा के खिलाफ, लोगों ने तमाम ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया आक्रोश में जो प्रशासन को सोचने के लिए बाध्य कर देंगे कि आखिर लोगों में कितना जनाक्रोश है, पुतला दहन किया। और ये कुछ स्टेटमेंट भी हैं, लोग अपनी बात भी कहना चाह रहे हैं, हम आपको दर्शकों को अवश्य दिखाते हैं। और आप एक चीज समझिए, डीएम को ज्ञापन का मतलब यही होता है कि हम ऊपर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री और संबंधित जो भी डीजीपी, जो भी संबंधित अधिकारी वहां तक हमारी बात पहुंचे और इसमें कार्रवाई हो, यही एक उद्देश्य होता है। देखिए क्या स्थिति है जी, बिल्कुल आप सागर के फुटेज देख रहे हैं। मारो साले को, 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 म
इसी के साथ हम फिर से लौटेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ में। और इस मामले में ये जो चल रहा है सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जो गोरख धंधा फैलाए हुए हैं उनके खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है, जो समाज सेवी संस्थाएं चला रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार चला रहे हैं, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और सभी जो धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनको जागरूक आप चाहते हैं कि वो जाके न लुटें, उनके साथ शेयर करिए। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो जो हमारा फेसबुक पेज BS चौहान पेज है उसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सर, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। जय माता की, जय हिंद, जय भारत।